नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी से इनकार कर रही है और लगातार पूर्ति करने का दावा कर रही है, वहीं अब भी लोग अपनी जान बचाने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन ढूंढने पर मजबूर है। अगर हम अस्पताल देखें तो वहां भी इंजेक्शन नहीं है, और अगर हम बात करें मेडिकल स्टोर्स की तो वहां भी इंजेक्शन नहीं है। नतीजा ये है कि मरीजों को इंजेक्शन समय पर नहीं मिल पा रहा है, लेकिन सरकार कह रही है कि इंजेक्शन की कमी नहीं है। साधना न्यूज लगातार इस मामले को लेकर पड़ताल कर रही है, हमारे संवाददाता भी लगातार इसको लेकर खबर भी उठा रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि समस्या है क्या, क्या सरकार वाकई मना कर रही है, सरकार इनकार कर रही है कि कमी नहीं है, या फिर इस पूरे ही मामले में अस्पतालों की लापरवाही सामने आ रही है कि अस्पतालों में ही इंजेक्शन नहीं है। और इसी बात को लेकर ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता अमीन बेग हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अमीन, लगातार कहा जा रहा है सरकार की ओर से कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी नहीं है, जब भी जरूरत पड़ रही है हम मंगवा रहे हैं, अस्पतालों में इंजेक्शन पहुंचाए जा रहे हैं ताकि मरीजों को समय पर इंजेक्शन मिल सके, लेकिन आप भी लगातार हम देख रहे हैं कि आप भी जब पहुंचते हैं अस्पतालों में पहुंचते हैं, आपने दवा बाजार का भी रुख किया, आपने अस्पतालों का भी रुख किया, क्या स्थिति यहां पर आपको देखने को मिल रही है? देखिए नेहा, जहां तक बात रेमडेसिविर इंजेक्शन की है तो सरकार के अपने दावे हैं, लेकिन जो हकीकत ग्राउंड रिपोर्ट पर हमने देखने की कोशिश करी उससे पता चलता है कि अब भी लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए परेशान हो रहे हैं। कल मैंने खुद दवा बाजार जाकर देखा तो वहां पर मेडिकल स्टोरों के बाहर ये चस्पा किया गया था कि हॉस्पिटल ही रेमडेसिविर इंजेक्शन देंगे, किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा, लेकिन हॉस्पिटल वाले ही उनसे कह रहे हैं कि आप मेडिकल जाइए, वहां पर लेकर आइए। तो स्थितियां जो है वो उतनी अच्छी नहीं है जितना दावा सरकार कर रही है। जब इस समय यहाँ जेपी अस्पताल के सामने खड़े हुए हैं, तब तकरीबन 5 मिनट पहले मैंने एक दृश्य देखा कि एक परिजन जो है अपने अपने व्यक्ति की डेड बॉडी लेकर जो है एक ऑटो में एक रिक्शा में लेकर जा रहा था। तो ये तस्वीरें बहुत ज्यादा भयावह स्थिति आपको बता रही हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जयप्रकाश अस्पताल है और यहाँ पर जो है ये लगातार मरीज जो है वो आते हैं, कोविड का टेस्ट कराते हैं या फिर जिनको गंभीर स्थितियां होती हैं वो यहाँ पर आकर उनको एडमिट किया जाता है। लेकिन इस समय अस्पताल की व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरीके से चरमराती हुई दिखाई दे रही हैं। बेड्स अवेलेबल नहीं है। आप ये देखिए, हम लोग भी कोशिश करते हैं कि सावधानी पूर्वक जो तस्वीरें हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखा सकें। तो आप ये देखिए, ये जो क्षेत्र जहाँ पर आप इस समय टेंट देख पा रहे हैं, ये यहीं पर कोविड के मरीजों का की जांच की जा रही है और उसके बाद अगर किसी को कोई पॉजिटिव होता है तो फिर उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो लगातार तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाते भी हैं। आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में कि लोग जो है वो यहाँ पर इस समय कोविड की जांच कराने के लिए आए हुए हैं, लाइन लगी हुई है और लगातार हम देख रहे हैं कि पूरे देश भर में 2 लाख से ज्यादा कोविड मरीज जो है वो आने लगे हैं। ऐसी परिस्थितियों में हालात जो है वो लगातार खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तक बात नया मध्य प्रदेश सरकार की है तो कल ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम मंत्रियों को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि उनको इस कोविड के समय में क्या क्या काम करना है। अगर सिलसिलेवार तरीके से उनकी बात कर ली जाए तो सबसे पहले गोपाल भार्गव को कोविड केयर सेंटर और ऑक्सीजन का जो प्लांट है उसको देखना है कि समय पे ऑक्सीजन पहुंचे, समय पे अस्पतालों में डॉक्टरों को डॉक्टर इलाज कर पाए, ये तमाम चीजें जो है कोविड केयर सेंटर को लेकर ऑक्सीजन को लेकर दी गई है। तुलसीराम सिलावट को भी जो है इंदौर में जो 2000 बेड का जो अस्पताल संस्था द्वारा बनाया गया उसके संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। विजय शाह को ये देखा गया है कि जो लोग हॉस्पिटल जो घर में आइसोलेट है उन लोगों तक तमाम दवाइयां, तमाम ब्रोशर जो उनको जरूरत है वो उन तक पहुंच सके, इस तरीके से बहुत लंबी लिस्ट है और सभी मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। लेकिन हालात उतने अच्छे अभी तक नहीं हो पाए हैं। कोशिश सरकार की तरफ से जरूर की जा रही है, सामाजिक संगठनों की तरफ से की जा रही है, लेकिन कोविड पॉजिटिव मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। जी बिल्कुल अमीन, क्योंकि जिस तरीके से आपने तस्वीरें भी दिखाई, आलम क्या है वो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि इससे पहले प्रभार दिया गया कि आपको ये जिले देखने हैं,
यहाँ पर अगर कोई समस्याएं होती है तो मंत्रियों को भेजा गया था कि आपको इन जिलों का प्रभाव देखना है। अब नई जिम्मेदारी और दी गई है, क्या इस तरीके से हम कोरोना से निपट पाएगी? क्योंकि जो स्थिति है वो तो बहुत ज्यादा भयावह है और आए दिन जो आंकड़े हैं वो भी बढ़ते ही जा रहे हैं। रिकवरी रेट तो ना के बराबर है, पॉजिटिविटी ज्यादा हो रही है। और देखिए बिल्कुल नया टेक्निकल दिक्कत के चक्कर में आपके आपका सवाल सुन नहीं पाया, लेकिन लेकिन लगातार हम ये बता ही रहे हैं कि जिस तरीके से मरीजों की संख्या में इजाफा होता चला जा रहा है, सरकार के अपने अलग दावे हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट पर अगर हम देखते हैं तो हकीकत जो है वो बिल्कुल जुदा दिखाई देती है। आप ये देखिए कि ये हॉस्पिटल का जो मेन हिस्सा है जहाँ पर पेशेंट को एडमिट किया जाता है, और आप ये देखिए सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें, लोग आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, क्योंकि जो ये कहा जा रहा है कि दूसरी लहर में सबसे ज्यादा संक्रमण फैल रहा है और सबसे ज्यादा लोग जो है कोविड से पॉजिटिव हो रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सुबह से ही लोग जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं और अपनी जाँच कराते हैं। कुछ दिन पहले भी हमने यहीं से तस्वीरें भी दिखाई थी जी। और अब आप ये देखिए जितने भी लोग हैं इनको कुछ ना कुछ सिम्टम्स है और उसी के आधार पर ये यहाँ पर पहुंचे हैं जांच कराने के लिए, और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर भीड़ भी जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो ये तस्वीरें तो हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन साथ में हम ये भी दिखा बता रहे हैं कि चाहे शमशान घाट हो या फिर कब्रिस्तान हो, वहाँ की स्थितियां भी अच्छी नहीं है। लगातार वहाँ की तस्वीरें भी हमने दिखाई, और खासतौर पर हॉस्पिटल की तस्वीरें जो है, हॉस्पिटल में जो मेन हॉस्पिटल होते हैं, स्थायी हॉस्पिटल होते हैं, उनके बेड पूरी तरीके से फुल है। अब कोशिश की जा रही है कि खासतौर पर जिक्र हम उस बात का भी कर लें कि बीना में जो ऑक्सीजन का प्लांट है उसके पास में ही एक आईएसआई हॉस्पिटल बनाने की बात कल ही मुख्यमंत्री की तरफ से की गई थी, और उसकी जिम्मेदारी नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह को सौंपी गई है कि बीना जो रिफाइनरी के पास जो है एक आईएसआई हॉस्पिटल बनाया जाए, वहां पर बेड की व्यवस्था की जाए ताकि ऑक्सीजन का जो लाने ले जाने में जो समय बर्बाद होता है वो बर्बाद ना हो, समय पर लोगों को वहां पर ऑक्सीजन मिल सके। जी बिल्कुल अमीन, जो तस्वीर अभी आपने दिखाई है उसको देख के कहीं ना कहीं यही लगता है कि स्थिति तो जरूर डरावनी है, भयावह है, लेकिन कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको सिम्टम्स तो है, लेकिन कई ऐसे भी वहां पर मौजूद होंगे उन कतारों में जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी कहीं ना कहीं, क्योंकि डॉक्टरों का ये भी कहना है कि जो दूसरी लहर का जो वायरस है वो श्वास के थ्रू भी फैल रहा है। अगर आप सांस ले रहे हैं और कोई पॉजिटिव इंसान आपके संपर्क में है तो यकीनन ये बात है कि आप उस पॉजिटिव हो सकते हैं बिना सिम्टम्स के। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ताकि डिस्टेंस यहाँ पर ज्यादा हो या भीड़ इकट्ठी ना हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक ही बार में कई लोग कतारों में लग जा रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, टेस्ट कराने के, और यही वजह भी एक हो सकती है क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए भी पहले ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने कि भीड़ भाड़ के इलाकों से बचना चाहिए, सरकार को इसको लेकर भी कड़े डिसीजन जो है वो लेने चाहिए। और कल ही हमने देखा कि डीआईजी इरशाद वली हो या कलेक्टर अभिलाष नवारिया हो, उन्होंने भोपाल की सड़कों पर उतरकर कार्रवाई कराने की कोशिश की, जो लोग सड़क पे बेवजह घूम रहे थे उनको जो है उनको जेल भेजा गया। तो इस तरह की कार्रवाइयां जो है वो कल की गई, मुख्यमंत्री की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि लोग अनावश्यक तौर पर सड़कों पर न घूमे, और जब सड़क पर अनावश्यक तौर पर घूमते हैं तो फिर तस्वीरें इस तरह की सामने आती हैं कि अब ये देखिए कि बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि लोग ये संकट के समय में कम कॉपरेट करें और जरूरी नहीं होने पर घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन बावजूद उसके सड़कों पर हम भीड़ देखते हैं तो फिर लोग संक्रमित भी हो रहे हैं, ये तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। तो कम से कम इसको लेकर और भी कड़े प्रावधान होने चाहिए ताकि जो भीड़ है वो जो है सड़कों पर ना हो और उसकी वजह से जो संक्रमण का जो खतरा है वो कम से कम उतना ज्यादा ना बढ़े। जी चलिए शुक्रिया अमीन तमाम जानकारी के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। तो जिस तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन की पूर्ति नहीं हो पा रही है, ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पा रही है, आलम यह है कि अस्पतालों में मरीज अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि ऑक्सीजन है, बेड है, नए बेड दिए जा रहे हैं, केंद्र सरकार से मांग की जा रही है, इंजेक्शन है, लेकिन जो हकीकत है वो कुछ और ही बयां कर रही है।